अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम विकास अहमद, आप देख रहे हैं हंटर स्टेयर की एक वीडियो। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बहुत ही एक ज़बरदस्त टारगेट शूटिंग वीडियो। आज मेरे पास दो बहुत ही खास हमारे रॉयल हंटर के मेंबर हजरात और हमारे सीनियर दो भाई हमारे पास हाज़िर हुए हैं, तो वो अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाते हैं। जी मैं सलमान अहमद सर जी सियालकोट से, और ये विकास भाई हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे शिकारी हैं, और हम आज टाइम निकाल के हमने इनसे इनकी मसरूफियत को भी पीछे करवा के मुलाकात का हमने टाइम रखा है कि हम इनसे मिलें और हम तबादला ख्याल करें अपने गैजेट्स के बारे में, जो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी इकट्ठे भी किए हुए हैं। और फिर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है हम आपको बताते जाएंगे। ये साथ हमारे उस्मान भाई हैं, ये आपको बताते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान समर सियालकोट से। विकास भाई की बहुत सारी वीडियो देखने के बाद दिल ने मजबूर किया कि इनके साथ एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है, एक तो सीखने के लिए और दूसरा ये जितना खलूस और मोहब्बत तकसीम कर रहे होते हैं, तो दिल ने मजबूर किया कि ये थोड़ा सा खलूस हम भी सीख लें, थोड़ी सी मोहब्बत हमें भी मिल जाए, ताकि हमें भी इनके फ़ैन होने का एज़ाज़ हासिल हो। हम इनके फैंस में से जैसे सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, मुख्तलिफ़ जगह पे ये कमेंट किए जाते हैं कि जनाब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। तो उस्मान समर विकास भाई का ये फैन, उस्मान भाई हमारे बड़े हैं, ये ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, हम वैसे तारीफ़ों के लायक हैं उन्हीं में, आप मेरे घर से पूछ सकते हैं। देखिए जी, ये वाला जो सफ़र है सियालकोट से नारवाल तक, ये किसी की मोहब्बत में ही हो सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। सलमान भाई और मेरी तरफ से विकास भाई का भरपूर शुक्रिया, अल्लाह ताला इनकी इज्जत में इजाफा फरमाए, इसी तरह ये मोहब्बतें बांटते रहें। और जो जो ये लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि अपनी मोहब्बतों को फैलाएं। जी बिल्कुल, चाहे आपकी किसी के साथ शनाख्त है या नहीं, मोहब्बतों में इजाफा करें। बिल्कुल बिल्कुल, दोस्तों वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो इसलिए हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। तो हमारे जो आर के शूटर हैं P35 हमारे पास गन है, तो अभी इसका भी हम आपको व्यू करवाते हैं, और 55 यार्ड पे हमने अपना टारगेट सेट कर दिया है, और अभी GSP के ऊपर हम इसको टेस्ट करने लगे हैं। तो उस्मान भाई हमारे शूटर, तो आज जो वीडियो में ट्विस्ट है, हमारे पास P35 भी है और P15 भी है और Vulcan 3 भी है, लेकिन अभी हम दो गन को टेस्ट करेंगे, Vulcan को और P35 को। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा सेटअप है, और ये हमारे गांव का व्यू है, और ये जो प्लाटिंग देख रहे हैं ये मेरे ताया अब्बू की है, तो ज़मीनों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं हम। तो दोस्तों हमने अपना ज़ीरो टेस्ट कर लिया, तो हम करते हैं वीडियो स्टार्ट, और उस्मान भाई पहला शॉट ले रहे हैं, तो इसके साथ हमने साइड शॉट कैमोट भी अटैच किया, तो अल्लाह खैर किया उसकी भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक चीज़ आपको मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने क्रोनो भी अटैच किया है, और इसकी FPS भी हम आपको दिखाएंगे। साढ़े 800 सुना भी, आवाज़ देखो, आवाज़ फुल है, मोबाइल का बटन वो उसके MS है। ठीक आ रहा है ग्रुप, बैठो बैठो बैठो, मैं बस देख रहा हूँ। नहीं मैं उधर साइड शॉट देख रहा हूँ।
लो जी एक मिनट इनू जरा बिच लगा के मैं थोड़े आधे तो जरा एक शॉट चेक कर लो। लगाओ जी समान साहब ठीक है मेरा हाथ नहीं डिस्टर्ब कर रहा ठहरो एक मिनट फोन तो नहीं कर रहा चलाओ हो रहा नहीं नहीं मेरा हूँ तो हाथ नहीं गया रहा अभी हम जाके ग्रुपिंग चेक करते हैं। उसके अलावा हमने दो पैलेट टेस्टिंग के तौर पे हमने ट्राई किए थे वो वैसे वो भी ग्रुप में इंक्लूड है तो 8 पैलेट का हमारा ग्रुप है। अभी जाके हम चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों गर्मी काफ़ी ज़्यादा तो आप मेरे मुबारक चेहरे का नूर देख सकते हैं तो माशाल्लाह से नूर की बहुत सारी एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा नूर ट्रांसफ़र करना है सर इंशाल्लाह लाजमी इंशाल्लाह। दोस्तों हम आ गए हैं अपना ग्रुप टेस्ट करने और आसमान भाई बताएंगे कौन सा हमारा टारगेट था और किस पे हमने ये हमने ज़ीरो किया जी। जी ये हमारा टारगेट इसको ले रहे हैं आप? हाँ जी ये टारगेट है जी ठीक हो गया क्योंकि वो मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है। हाँ हाँ तो ये मेरा ग्रुप है तो ये इसमें एक फ्लाइट होगा तो माशाल्लाह एक ये मरा हुआ और ये 7 हो गए। हाँ जी 7 पैलेट हैं तो कम से कम हाफ माशाल्लाह आप देख रहे हैं 1/2 इंच का ग्रुप है ये तो एक फ्लाइट है और वो फ्लाइट भी कोई इतना बड़ा नहीं है मतलब कि बर्ड 99% बर्ड नीचे आएगा तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रुप। हाफ इंच जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो स्मार्ट भाई हैं JSB पैलेट 844 या 850 के राउंड 850 हाँ और P35 जी इसके साथ हमारी HS स्कोप है डिस्कवरी की। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे कर रहे जी माशाल्लाह बहुत सब। अभी हम इसको 100 यार्ड पे भी टेस्ट करने वाले हैं वो अभी करेंगे बाद में करेंगे जी अभी करेंगे। अच्छा स्मार्ट भाई आपने कितने पैलेट का ग्रुप लिया था? 7 का। तो दोस्तों पहला शॉट मैं ले रहा हूँ जस्ट अपना टारगेट चेक करने के लिए। बस भाई कैमरा ऑन करें साइड शॉट का। नहीं वो मैं करने लगा हूँ बस मैं थोड़ा ना व्यू सेट कर लूँ अपने हिसाब से। सुमान साहब जनाब थोड़ी कैलकुलेशन जी तुम ये स्टेयर लॉक प्रो एंटर की थी कि है तो दोस्तों 55 yard पे मेरा पहला शॉट साइड शॉट ऑन करें जनाब। मैं अभी व्यू मेरा होगा नहीं ना रुकियो वो नजर नहीं, नहीं वो मैं सेट कर रहा हूँ। ये आज वकास भाई के साथ जो है ये मुलाकात का हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है जी। 840 से आ रहे हैं 840 में करेंगे दोस्तों ये जो JSP है ना तो मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा मुझे पहले शॉट से लग गया असल में ये ना इंशाल्लाह असल पहले मैं झूठे को ना बहाने बहुत मिलते हैं सर जी तो समझ लें कि मेरा बहाने लगा लें ये पैलेट ना मुझसे गिर गए थे तो चले खैर कोई नहीं। बड़े चूज करके ना जैसे आप प्यारे ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे पैलेट मैं निकाल रहा हूँ आपने कोई बहाना नहीं लगाना रिकॉर्डिंग नहीं नहीं तो सी एग्जैक्ट 055 पे की थी 100 yard की आपकी कैलकुलेशन है। 800 भाई ने जो अपनी गन के साथ किया हुआ है ना वो आपको वो बता नहीं रहे जनाब। हाँ जी हाँ जी आप हारेंगे सर आप हारेंगे उनका ट्रैगर पुश करने का अंदाज देखें आपका ये सही नहीं है।
ये चीज़ होनी चाहिए आपकी। मैं आपसे बताने लगा था तो कुदरती एग्जांपल जो है ना वो मुझे मिल गया। टारगेट हमेशा ऐसे लगता है। एक भी फ्लायर आ गया तो विकास भाई गए नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आ गया ये फ्लायर, आ गया फ्लायर, आ गया नहीं वो एक फ्लायर हवा भी चल रही है ना, हवा भी देखें आपको महसूस हो रही है पीछे पत्तों से। ये आपके सामने ये देखें, ये हिल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हवा है और देखें प्लेट सारी हिल रही हैं। ये प्रेशर से हिल रही है। नहीं नहीं वो हवा हवा भी हिला रही है। लास्ट पैलेट है सर हमारा, देखते हैं जी अब ये पैलेट्स क्या कहते हैं कि किसके पैलेट्स कहाँ कितने लगे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, ये आखिरी पैलेट चलाने लगे हैं उस वकास भाई और जाते हैं जी देखते हैं अब दोस्तों क्या चलता है। हमारा ग्रुप हो गया कम्प्लीट, अभी जाके उसको टेस्ट करते हैं। उन 8:30 दोस्तों फिर से हम जा रहे हैं मेरा ग्रुप चेक करने। तो जी जी अब हम वजीफा करते जा रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा इंशाल्लाह विनर सियालकोट। सियालकोट ये ट्रॉफी सियालकोट ही जाएगी। अच्छा पता यार नहीं एक बंदा एक ही होता, मैं अकेला हूँ, ये दो है तो एक और एक 11 हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं और अकेला बंदा अकेला ही होता है। 11 का मुकाबला तो नहीं करता। और ये जनाब तीन फ्लायर मैंने दूर से देख ली है, एक सर एक फ्लायर एक बार टेस्टिंग के लिए था। तीन लगे हुए हैं जी, तीन लगे हुए हैं देख लीजिएगा जी, वो अपने सर्कल से बाहर तीन लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह उस्मान भाई ये देखें, ये 8 पैलेट टोटल चलाए हैं मैंने और ये मेरा सबसे पहले ये टेस्टिंग का था, ठीक है। तो बाकी ये पैलेट मेरे 5 ये लगे, 5, 6 और 7 दो फ्लाइट हैं। इस हिसाब से आप विनर हैं सर। बस ये एक सर एक जो एक कहते हैं ना वो एक गलती बंदे को ना दूर ले जाती दूर है, दे जाती है ले। तो ये देखे एक फ्लाइट छोटा सा मोड़ बड़ी दूर ले जाती है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। और ये एक फ्लाइट था, एक फ्लाइट ने देखे हमें हरा दिया, हरा दिया मुझे। अगर एक ही रहता तो नहीं, दो हो गए हैं ना, उनका एक था आपके दो हो गए हैं। और ये जी उस्मान साहब को जो है ना ये इसका क्रेडिट जाता है कि ये इन्होंने मेहनत की है और ये सियालकोट से आते हुए वज़ायफ भी कर रहे थे और ये वज़ायफ उनके जो है काम आ गए हैं आपको रिजल्ट की शक्ल में। दुआओं की कबूलियत का दिन है माशाल्लाह माशाल्लाह। आज चूंकि जुम्मतुल मुबारक था इसलिए जो है ये जुम्मा जो है ये उस्मान साहब के हक में जो है ना। अच्छा उस्मान भाई, उस्मान भाई अब बताएं इसको 100 यार्ड के ऊपर टेस्ट करना ना हमने। जी जी अब इसको हम 100 यार्ड पे हाँ, तो इसको अभी 100 यार्ड पे लेकर जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अभी हमारे उस्मान भाई शॉट लेने लगे हैं 105 यार्ड टेस्टिंग शॉट 105 यार्ड के ऊपर। तो पहला वो मुकाबला जीत चुके हैं तो अब सलमान भाई जी जी मैं पहला मुकाबले की ट्रॉफी आप ले चुके हैं। जी जी जनाब पहला मुकाबला जीतने के लिए पुरअज़म भी हैं, दोस्तों से दुआ की अपील है। जी जी जज़ाकअल्लाह। रास्ते च लग रहा सर, अब किधर लग गया आवाज सर आई है कितने लग है, कुछ नहीं है सही आया। कैमरा आना ना दोस्तों, कैमरा ऑन करना हम भूल गए तो कोई नहीं, हमारा ये टेस्टिंग शॉट ही था। तो आपने घबराना नहीं है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, थोड़ी सी वीडियो के लंबी भी हो जाए तो आप हमारे ही मोहब्बत में आप लाजमी देखें इसको ना, जरूर देखिएगा। ये हमारा पहला शॉट, ये जो आप शॉट लगाने लगे हैं ना जी ये 900 FPS के साथ कैलकुलेट है ये, और विंड भी काफी तेज है। 857। तो विकास भाई अब आपसे ये सवाल है कि आप कौन सी गन अब इस्तेमाल करेंगे इसके अगेंस्ट, फिर आपने P15 इस्तेमाल करनी है। सर P15 नहीं इस्तेमाल करनी है, लेकिन असल में क्या कि नई स्कोप है मेरी तो। अच्छा। मुझे उसके क्लिक्स का भी आइडिया नहीं है, तो डिस्कवरी मैं इससे पहले काफ़ी टाइम पहले छोड़ चुका हूँ तो उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। 854। सर कितने शॉट हो गए? तीन शॉट हो गए, ये चौथा शॉट है हमारा। ये हवा आपको जो है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे हवा चल रही है काफ़ी तेज़, जो आप देख रहे हैं जिधर शिकारी ये शूटर जो बैठे हैं। 855।
ये 105 यार्ड है, P-35 गन, एक बेहतरीन ग्रुप पावर है जी। अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं बाद में क्लियर करता हूँ, अब ये हमारे शॉट मुकम्मल हो जाए। आपका कैमरा बंद हो गया, बंद हो गया कैमरा, रिकॉर्डिंग लाइव ही नहीं सजे, ला ले दोस्तों माजरा के साथ रिकॉर्डिंग हमारी हो नहीं सकी, तो आप अब ये लास्ट एक दो शॉट, ये एक लास्ट शॉट है सर। कितने शॉट हो गए? कंप्लीट हो गया। कितने शॉट का ग्रुप लिया हमने? 9 शॉट का, फर्स्ट जो था वो प्रैक्टिस के लिए था। हां तो 8 शॉट, 9 शॉट, 8 शॉट है वो अलग से सिंगल आपने लिया है। मैगजीन जो है वो 9 शॉट की थी और टोटल हमने 10 पैलेट शूट किए हैं दोस्तों, 9 शॉट का ग्रुप। तो अभी जाके चेक करते हैं 105 यार्ड पे। इंसान मुकाबला विन करने के लिए दुआएं करते हैं, टारगेट की तरफ आ रहे हैं, देखते हैं। अब टारगेट जो है वो देखने में तो दूर से सही लग रहा था, अब आगे वकास भाई आपको कैमरे की आँख से दिखाते हैं। और मौसम जो है बड़ा गर्म है, कुछ गर्मजोशी भी हो रही है, गर्मजोशी भी है। ये हमारा टारगेट था, हम इसके ले जी दोस्तों माशाल्लाह सलमान भाई बैठे। ये हमारा ये था सलमान भाई टेस्टिंग, ये हमारा टेस्टिंग था। उसके बाद ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैलेट, 10 पैलेट दोस्तों, 10 पैलेट का ग्रुप है ये। कम से कम एक इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा दो कह लें कि 1.5 इंच के राउंड मोड ये सारा लगा, और एक इसको हम फ्लैट कंसिडर करते हैं तो ये 1.5 इंच है तकरीबन, ये 1.5 इंच का हमारा, ये एक पोर जो है ये तकरीबन 1 इंच की होती है। हाँ। और आप देख सकते हैं कि ये एक पोर से ज़्यादा का ये ग्रुप नज़र आ रहा है आपको। हाँ माशाल्लाह, और हवा की मौजूदगी में इतना ये रिजल्ट ये बुरा भी नहीं है। ज़्यादा जो कंसीडर करने वाली बात है ये 4 पैलेट्स हैं जी जी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी नहीं है स्टैंड पे, ठीक है। ये 4 पैलेट्स जो है वो एन मुमकिन है कि मेरे देखने में जो प्रॉब्लम है या मेरी जो प्रैक्टिस है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से ये पैलेट ऊपर नीचे जा रहे हैं, वरना ग्रुप वो ये दे रही है। अच्छा सलमान भाई आप बैठे ज़रा, हमें एक चीज़ तो करें, आप अभी वीडियो में कह रहे थे कि हवा चल रही है राइट साइड को, तो यहाँ नहीं नहीं मैं वो कैमरे की आँख से आपको लग रहा था, लेकिन ये कि यहाँ से टारगेट जो है ये इस तरफ से हवा इस तरफ जा रही है, और कैमरे से तकरीबन जो है ये हमारा जो है ये 1.5 इंच जो है अपने टारगेट से वो लेफ्ट साइड हवा लेकर गई है पैलेट को, और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हवा की निस्बत थोड़ा सा जी ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे बना है माशाल्लाह। तो अभी मेरी गन का ये जी जनाब, अब आपकी गन का है, अब देखते हैं कि मामला ये गर्म जोशी जो है ये गर्मी है ये किस तरफ को जो है ना जाती है। चले अच्छा जो है ये हम स्प्रे करने लगे हैं अपने किए हुए पर पानी बहाने लगे। दोस्तों 105 यार्ड पे हम अपनी P-15 को टेस्ट करने लगे हैं, तो साथ 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 में ये बोले कि पहला मुकाबला ये हार गई है। तो पहला जो मुकाबला हुआ ना 55 यार्ड वाला वो मैं हार चुका हूँ, तो माशाल्लाह नजर लग गई जी। एक सही होता है ना, एक पैलेट फ्लैट हो गया, जहर भी थोड़ा सही होता है, एक नुक्ते बराबर ही होता है। हाँ तो ये एक से ही जो है ना वो काम खराब हुआ है, और ये पहली ट्रॉफी हार गए हैं, अब ये भी वज़ाइफ कर रहे हैं, और देखिए अब किसके वज़ाइफ रंग लाते हैं। और पहला शॉट मैं बस ट्राई करने लगा हूँ उसका ना चेक करने के लिए। जी दोस्तों ये वकास भाई अभी टेस्टिंग करने लगे हैं, और देखते हैं कि ये P-15 इनको मुकाबला इस दफ़ा जिताती है कि नहीं। मैंने कोशिश तो की थी कि सलमान भाई शूटिंग करें, ये जो बदनामी है हारने की मेरे सर पर ना आए, तो लेकिन सलमान भाई ने वो साफ इनकार कर दिया कोड़ा इनकार, तो अब मजबूरी में हथियार मुझे उठाने पड़ रहे हैं। और वकास भाई देखते हैं अब ये इनकी पोजीशन, एक इन्होंने टेस्टिंग फायर करना है, ये मैं सर खेल रहा हूँ लेफ्ट साइड को, मैं अपना ना दूसरा मेरे डाल ले रहा हूँ क्योंकि ये गन जीरो नहीं है, तो उसी मुताबिक मैं खेल रहा हूँ। जी ये लग रहा है मुझे कि मुकाबला जो है ये काफ़ी
सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे कैमरे के पीछे से उस्मान भाई ने इशारा किया कि वंडरफुल। दूसरा शॉट है मेरा। तीसरा शॉट मेरा। नहीं मैं रुका रुका बस सेम लै रहा। असम इधर से लोग आ जा भी काफ़ी रहे हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा हमें मुश्किल भी हो रही है जी। तो दोस्तों जो है एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, तो उसमें से एक रास्ता शॉर्टकट है, तो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए विकास भाई जो है ना रुके थे कुछ देर के लिए। मैं जीतूंगा मुझे लग रहा है। अच्छा मुझे लग रहा है मैं जीतूंगा। रुकियो रुकियो नहीं मैं जीत गया। कोई नहीं चौ शॉट सर। कितने शॉट का आपने लिया था ग्रुप? 10 शॉट का। काश भाई कैमरा बंद हो गया साइड शॉट वाला, बैटरी तो नहीं गई? नहीं 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 अभी है। जी क्या अपडेट आ रही है जी? दो हमने ग्रुप देखने के लिए दो स्नाइपर जो हैं पीछे अपनी स्कोप में से देख रहे हैं। वकास भाई क्या कर रहे हैं? हमारी बैटरी ख़त्म हो गई है, तो बैटरी चेंज कर ली। वकास साहब का की आया ग्रुप साहब? हाँ हाँ वो सामने दीवार पे सर। हाँ वो ऐसी खुली है। सलमान भाई ये ऑन दोबारा शॉट ऑन नहीं ऑन है? अच्छा कैमरे की। तो दोस्तों हमारा दोबारा से हम शॉट ले रहे हैं जी। वो कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी। उस्मान साहब जीत गए दूजा मुकाबला। शेर सियालकोट की तरफ मूव करते हुए सामने कितना डिस्टेंस जी? 49 डिस्टेंस यानी कौन वाला? रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी इतने हर भाई भूल जाना है। अच्छा ए पैलेट चढ़े थे जी? नहीं मेरे नहीं चढ़े मेरे है कन्फर्म। दोस्तों ये हमारा लास्ट शॉट, सॉरी माजरत मैं कैमरा ऑन करना बोल गया। जैसी भी वीडियो है तो आप इसमें गुजारा लाजमी कीजिएगा। नहीं सलमान भाई जी जी और अभी जाके हम चेक करते हैं, लेकिन मुझे अभी से जो सांस हो रहा है वो हारने वाला है। हाँ सांस से शर्मिंदगी मुझे फील हो रही है, मैं हार रहा हूँ। सियालकोट से पूरी तैयारी के साथ उस्मान साहब आए हुए थे और उन्होंने साबित किया है कि मैं तैयारी में था। तो दोस्तों अभी हम जाके चेक करते हैं कि हमारा शॉट कैसे थे। एक्सप्रेस अंधे थे जी। विकास भाई अभी आपका ग्रुप देखने आए हैं 100 yard पे P15 में। अब देखते हैं कि ये जो ट्रॉफी है 50 yard वाली 100 yard वाली ये नरवाल में रहती है कि सियालकोट में जाती है? तो ये जो मुझे लग रहा है ना जो लग रहा है जो हालात बता रहे हैं। सर जी ये देखें दो पोर का ग्रुप है पूरा आप देख सकते हैं माशाल्लाह 2 inch से ज्यादा ठीक है। और उस्मान भाई का 1.5 pore के मुताबिक था हमारे हाथ की। और ये अंगूठों वाली बात नहीं है सर, ये बात बढ़ गई है। ये लेटने वाली पंजाबी का मुहावरा है गल वध गई मुख्तारिया। ये चप्पा सा जी ये खुशी से कहें या दुख से कहें ये दोनों विकास भाई अपना P15 पे दोनों मुकाबले हार गए हैं और आपको नजर आ रहा होगा जी। विकास भाई अब आप क्या कहते हैं इस मामले सर में? हमने क्या कहना है अब बंदा जी बताएं जी अब विकास भाई क्योंकि
सर कोशिश तो बहुत पूरी थी मेरी जी ना। तो ज़ाहरा अब ये देखे ये आपके ऊपर एक चीज भी आई है कि ये तो स्पेशल सियालकोट से बंदे हाँ, आए हैं। अब आपको नहीं मैं सच्ची मैं भाई साहब मैं सभी ना आप कुछ भी समझे मैं भाई अपने मेहमानों की इज्जत रखी जी ये आपका जर्फ है जी माशाल्लाह आप ऐसे ही हैं और बाकी लेकिन असल पता क्या डिस्टेंस हमारा वो आपको दूर नजर आ रहा होगा हम दिखा सकते हैं 105 यार्ड पे ये 105 यार्ड पे हम जो है ना टारगेट शूटिंग कर रहे थे वो गाड़ी खड़ी है विकास भाई की और ये जनाब हमारा टारगेट था ये बिल्कुल सेफ था एरिया ये नई डेवलपमेंट हो रही है आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का हमने रिस्क नहीं लिया जी विकास भाई अब ये दोबारा ये किए हुए पे पानी फेर रहे हैं जी ये देख रहे स्प्रे फेर रहे हैं यार अब हर बंदे को ना बताना कि हम हार चुके हैं शर्मिंदगी भी किसी चीज़ का नाम है तो हमेशा जी ये उस्मान साहब की गन P-50-35 जो है ये जीत गई है और ये आप देख सकते हैं लेकिन ये है कि ये हार जीत ये हार जीत से आगे की बात है ये बहुत अच्छा लगा विकास भाई के पास आए हैं बाकी आपको वीडियोस में सारी चीज़ें वो डिटेल में बताएंगे वो इंशाल्लाह फन वीडियो थी ये कोई स्पेशल हमने कोई कहने की टारगेट शूटिंग नहीं थी जस्ट एक प्लान था गैदरिंग थी दोस्तों के साथ तो हमने कहा यार चलो थोड़ा सा एक ना फन भी हो जाए टारगेट शूटिंग भी हो जाए तो मिलना गुलना भी हो जाएगा तो इस वजह से हमने ये प्लान किया बाकी एक छोटा सा रिकॉर्डिंग उधर जाके हम अपनी गन का जो भी है हमारे पास सेटअप है आपको चेक करवाते हैं तो उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़ कहते हैं जी ठीक है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब ये हमारा टारगेट शूटिंग का जो प्लान था वीडियो थी वो सब दोस्तों ने आप देखी आई होप आपने एंजॉय किया होगा तो फिर से मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि ये ट्रॉफी हमारे उस्मान साहब के नाम वो माशाल्लाह वो जीत गए हैं और सलमान भाई जाहिर है कि इतने बड़े स्टार साथ आ रहे हों तो फिर हम जैसे बंदे होंगे क्या नाम है मोहब्बत है विकास भाई आपकी मोहब्बत है ये मैंने आगे भी ये वीडियो में बताया कि आपकी मोहब्बत है और माशाल्लाह उस्मान साहब ने भी जी मेहनत की है पूरी उन्होंने टारगेट शूटिंग को समझा है और हर चीज़ को कैलकुलेट करके उन्होंने ग्रुप लेने की कोशिश की है क्योंकि हम कोशिश ही कर सकते हैं एक अच्छी गैदरिंग को लेकर हमारी कोशिश थी कि हम बेहतरीन रिजल्ट जो लें और उस्मान साहब ने उसमें अच्छे नंबर लिए हैं जनाब दो ग्रुप में आपको हमने सारे जो हैं वो स्क्रीनशॉट जो हैं वो भी दिखाए हैं और विकास भाई की अब सुनते हैं विकास भाई अब क्या कहते हैं बाकी ये है कि अब हारा हुआ बंदा क्या कर सकता है हारा हुआ बंदा तो ज़मीन के साथ लगा होता है तो हम पैसा ज़मीन के साथ लग चुके हैं लेकिन ये हमारे भाई हैं तो हार जीत जस्ट ये कॉम्पटिशन था कोई मुकाबला नहीं था तो इंशाल्लाह ताला अगर कभी कंपटीशन का प्लान हुआ सलमान भाई हमारे माशाल्लाह कराते रहते हैं तो कभी ऑनलाइन इसकी वीडियो नहीं हो पाई लेकिन अल्लाह खैर किया इन फ्यूचर जब होगा तो हम इंशाल्लाह ताला वहाँ इसकी वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे तो तब इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अपनी गन को एक्यूरेट से एक्यूरेट किया जा सके ताकि अगर कंपटीशन में जब उतरना है तो पूरी तैयारी के साथ उतरना तो अभी तो जस्ट एक फ़न था और गन टेस्ट के लिए आई हुई थी और हम गन को अपनी को टेस्ट कर रहे थे इससे ज़्यादा कुछ नहीं बाकी अपने भाई को दें इजाज़त और इंशाल्लाह ताला ऐसी वीडियो आती रहेंगी और अभी रात का भी काफ़ी टाइम हो गया तो सानू लगी है भुख तो सीधी सी बात है बाकी दें इजाज़त